Assalamu alaikum, dear student. The second topic is making the sentence negative and interrogative. Positive sentence, she plays hockey. ये present indefinite tense का जुमला है. इसको अगर जब हम negative में तब्दील करेंगे, she does not play hockey. Does जो है ये helping verb है present indefinite tense का. उसके बाद not लगाएंगे और उसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से आगे लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग आगे लगाएंगे और उसके बाद पूरा सेंटेंस इस तरह बनाएंगे. डज शी प्ले हॉकी और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन. दूसरा सेंटेंस जो है, दे क्लीन द रूम. ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है. नेगेटिव इस तरह बनाएंगे, दे डू नॉट क्लीन द रूम. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से आगे लगाएंगे, डू दे क्लीन द रूम और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे. फिर आते हैं अहमद इज विनिंग द मैच. ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला है. इसके नेगेटिव इस तरह बनाएंगे, अहमद इज नॉट विनिंग द मैच. इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे? Is Ahmad winning the match? Sign of interrogation. फिर आते हैं we are writing a letter. ये positive sentence है. Negative, we are not writing a letter. Interrogative sentence, are we writing a letter? Sign of interrogation. ये जो है are है, ये helping verb है present continuous tense का. तो ये हम subject से आगे लगाएंगे, ठीक है. फिर आते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है. ही हैज किल्ड द लायन. नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? ही हैज नॉट किल्ड द लायन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे लगाया गया है. हैज ही किल्ड द लायन, साइन ऑफ इंटरोगेशन. अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये जुमला है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इसके नेगेटिव इस तरह बनाएंगे, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन. तो ये बन गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, शी ज्वाइन द पार्टी. नेगेटिव सेंटेंस, शी डिड नॉट ज्वाइन द पार्टी. इंट्रोगेटिव बनाते वक्त ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. डिड शी ज्वाइन द पार्टी, साइन ऑफ इंटरोगेशन. पॉजिटिव सेंटेंस और ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला. ही वॉज टॉकिंग टू मी. नेगेटिव सेंटेंस, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वॉज ही टॉकिंग टू मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन. पॉजिटिव सेंटेंस, ही हैड प्लेड वेरी वेल. ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला. इसके नेगेटिव इस तरह बनाएंगे, ही हैड नॉट प्लेड वेरी वेल. इंट्रोगेटिव इसके बनाते वक्त ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे लगाया गया है. हैड ही प्लेड वेरी वेल और एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन. अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये जुमला है. They had been working for 2 hours. Negative इस तरह बनाएंगे, They had not been working for 2 hours. और फिर interrogative sentence, Had they been working for 2 hours? Sign of interrogation. Positive sentence, future indefinite tense, He will buy a BMW. Negative sentence, He will not by a BMW. Interrogative sentence इस तरह बनाएंगे, will he buy a BMW? Sign of interrogation. Okay, thank you.